हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरि द मैथ्स क्रू। आज हम आप लोगों के लिए एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि रियल एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज़ नेबरहुड एंड लिमिट पॉइंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किसी भी अगर कोई भी सबसेट है किसी रियल नंबर के सेट का, तो उस सेट एस का नेबरहुड क्या होता है, उस सेट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी पॉइंट का, और किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। और साथ ही साथ हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि गिवन सेट के लिए लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम्स में नेट गेट और साथ ही साथ ये टॉपिक जो है वो बीएससी एमएससी और आईआईटी जैम के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, बट उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे कि आपको जितने भी नए वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो आपको साथ के साथ टाइमली मिलते रहें। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंटिन्यूसली देखिएगा, जिससे कि कोई भी टॉपिक या कोई भी कंसेप्ट स्किप ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिमिट पॉइंट एंड नेबरहुड। तो सबसे पहले हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। अगर हमारे पास एक सेट है एस, ए सेट कैपिटल एस सबसेट ऑफ आर, यानी कि कोई एस जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, तो वो जो सेट एस है इज कॉल्ड ए नेबरहुड। वो नेबरहुड कहलाएगा किसकी, ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी रियल नंबर अगर पी कोई रियल नंबर है, सेट आर में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है, तो उस पॉइंट की नेबरहुड कोई भी सबसेट एस रियल नंबर का कहलाएगा, अगर ये बात सेटिस्फाई कर जाएगी, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। अगर कोई एक ओपन इंटरवल उस पी पॉइंट के अबाउट एग्जिस्ट कर जाए, कैसा, कि ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन टू पी प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी कि एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल पॉजिटिव लें वैल्यू, सच दैट कि P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन के ओपन इंटरवल में वो P पॉइंट बिलोंग करता हो और ये ओपन इंटरवल खुद S के अंदर कंटेंड हो, तो S जो है वो नेबरहुड ऑफ P कहलाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर ये S सेट है वो किसी पॉइंट P की नेबरहुड होना है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा कि अगर S कोई सेट है और वो किसी गिवन पॉइंट P का नेबरहुड होना है, तो वो तभी होना हो पाएगा जब उस P पॉइंट के अबाउट एक स्मॉल एप्सिलॉन डिस्टेंस का अगर हम नेबरहुड बनाएं, नेबरहुड वो ओपन इंटरवल बनाएं, मीन्स P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन, यानी कि सेट S के एलिमेंटों को नंबर लाइन पर ले और यहाँ पर हमारे पास कोई P पॉइंट जिसको हमें नेबरहुड चेक करना है, सेट S P पॉइंट की नेबरहुड बनानी है, तो उस P पॉइंट के अबाउट ओपन इंटरवल बनाओ बहुत स्मॉल, P पॉइंट के एप्सिलॉन डिस्टेंस बैक साइड जाओ P माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन डिस्टेंस फॉरवर्ड जाओ P प्लस एप्सिलॉन। तो इस तरीके से अगर हमें कोई एप्सिलॉन ऐसा स्मॉल वैल्यू मिल पा रही है कि हम यहां पर ये जो ओपन इंटरवल बना रहे हैं, ये टोटल ओपन इंटरवल किसी S सेट के अंदर कंटेंड है, ये टोटल S सेट के अंदर कंटेंड आ रहा है, तो वो सेट S जिसके अंदर ये ऑलवेज कंटेंड आ रहा है, वो S सेट की P पॉइंट क्या कहलाएगा, P पॉइंट की क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। सेट S P पॉइंट की क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। तो इस बात को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल से साथ के साथ हम यहां पर डिस्कस कर ले रहे हैं। यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, विच इज ऑब्लिक आर नेबरहुड्स ऑफ वन, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन जो है वो वन की नेबरहुड बनने वाला है, ठीक है, कौन सा सेट वन की नेबरहुड है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार हम देखते हैं कि जिस भी पॉइंट पी के लिए हमें नेबरहुड चेक करना है, तो हमें चेक करना होगा कि क्या पी पॉइंट के अबाउट कोई भी एक स्मॉल एप्सिलॉन एप्सिलॉन फॉर लेफ्ट साइड और एप्सिलॉन बैक साइड फॉरवर्ड साइड राइट साइड जाने पर ओपन इंटरवल क्या हम ऐसा क्रिएट कर पा रहे हैं कि जिसमें कि पी पॉइंट कंटेन हो और वो खुद सेट गिवन सेट एस के अंदर कंटेन्ड है, जिस तो उस केस में कहेंगे कि एस जो है वो नेबरहुड बन जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि वन इस सेट की नेबरहुड है या नहीं, फर्स्ट पॉइंट में जो सेट दिया हुआ है 0 to 2 का ओपन इंटरवल, तो हम यहाँ पर देखें कि 0 to 2 का जो ओपन इंटरवल है, अगर हम इसे नंबर लाइन पर लें, तो यहाँ पर कहीं पर 0 आएगा और यहाँ कहीं पर 1 आएगा और यहाँ पर कहीं पर 2 आएगा। अब क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि 1 के अबाउट कोई भी स्मॉल डिस्टेंस की हम एक ओपन इंटरवल बना सके जो कि पूरी की पूरी इस सेट के अंदर कंटेंड हो? तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि 1 के लिए अगर हम 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ से और 1 प्लस एप्सिलॉन डिस्टेंस ये लेते हुए, एप्सिलॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्सिलॉन यहाँ पर 1/2 भी ले लेता हूँ, तो 1 माइनस 1/2 इट मींस कितना जाएगा 1/2, और 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो ये 1/2 से 3/2 का एक ओपन इंटरवल बन जाएगा, और ये ओपन इंटरवल श्योर है कि 0 से 2 का जो ओपन इंटरवल है इसका सबसेट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इसके अंदर कंटेंड होगा जो हमारे पास ये 0 से 2 का ओपन इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका सबसेट होगा ये, और साथ ही ये पॉइंट 1 को भी कंटेन करता है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन हमने यहां पर ऊपर डिस्कस की थी कि P को कंटेन करने वाला अगर P के अबाउट ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जो खुद S के अंदर कंटेंड है, तो S P का क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 1 के अबाउट एक ओपन इंटरवल हम यहां बना पा रहे हैं जो कि खुद किसके अंदर कंटेंड है, ये ओपन इंटरवल इस पूरे इंटरवल के अंदर
कंटेंट है, इसका सबसेट है, तो और तो इसका मतलब डेफिनेशन से ये नेबरहुड हो जा रहा है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल में इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है कि क्या ये ओपन इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल है जो जीरो की साइड से ओपन है और टू की साइड से क्लोज है, क्या ये इसकी वन की नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं नंबर लाइन पर जाकर फिर से। नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो यहाँ कहीं पर जीरो होगा, यहाँ पर वन होगा, यहाँ पर टू होगा। तो यहाँ पर इस बार हमारे पास यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से क्लोज है। ओपन क्लोज का मीन्स क्या है कि यहाँ पर अगर ये ओपन है तो इसका मतलब इस सेट के अंदर वो सारे रियल नंबर होंगे जो जीरो से ग्रेटर है, जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा, और टू की साइड से क्लोज है यानी कि वो सारे रियल नंबर होंगे जो टू और टू हो सकते हैं और टू से लेस हो सकते हैं। इट मीन्स इस सेट के अंदर नंबर जो होंगे वो जीरो से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू टू होंगे। तो इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग हमें चेक करना है कि क्या इस सेट के लिए ये सेट वन की नेबरहुड बन पाएगा। तो चेक करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने नंबर लाइन पर लिया ये सेट और यहाँ पर वन जिसको हमें नेबरहुड चेक करना है वो जिसकी ये नेबरहुड चेक करना है वो पॉइंट पी वन हो गया। अब इसके लिए हमें ये चेक करना होगा ये नेबरहुड बन पा रहा है नहीं, तो उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया कि क्या ये पॉसिबल है कि इसके लेफ्ट और राइट जाकर कोई नेबरहुड ऐसी बन सके, ओपन इंटरवल ऐसा बन सके जिस जो कि पूरी के पूरा इस सेट के अंदर कंटेंट हो। हाँ, बनाया जा सकता है। अगर ये वन है तो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन वन बाय टू ले लेता हूँ, तो वन माइनस वन बाय टू और वन प्लस वन बाय टू का ये जो ओपन इंटरवल बनेगा ये ओपन इंटरवल पूरी तरीके से जीरो टू वन माइनस वन बाय टू और वन प्लस वन बाय टू, ये जो ओपन इंटरवल बनेगा ये सबसेट होगा किसका, गिवन सेट जो हमें दिया हुआ है जीरो से टू का सेमी ओपन इंटरवल, इसका सबसेट होगा और साथ ही साथ वन भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इसका मतलब डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि वन के अबाउट एक ओपन इंटरवल बनाया जा सकता है जो पूरे की तरह से इस गिवन सेट के अंदर कंटेंट हो, तो इसलिए ये वन इसका क्या होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वन का ये क्या हो जाएगा नेबरहुड हो जाएगा, ये सेट भी नेबरहुड हो जाएगा। चलिए दूसरे एक और थर्ड वाले पार्ट के लिए देखते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये वन से लेकर टू तक का क्लोज इंटरवल है, वन से टू तक का, क्या वन इसकी नेबरहुड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वन की ये नेबरहुड बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये हमें चेक करना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसे भी चेक कर लेते हैं। तो इसको यहां पर चेक करने के लिए तो यहाँ पर हमने एक ये नंबर लाइन पर ये जो हम थर्ड पार्ट को चेक कर रहे हैं क्लोज इंटरवल से टू का, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पर यहाँ पर मान लो कहीं पर जीरो है, ये वन हुआ और ये टू हुआ, तो इस समय हमारे पास जो सेट है वो क्लोज सेट दिया हुआ है वन से टू तक का। इट मीन्स इस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे जो वन से और टू के इन बिटवीन होंगे और वन और टू भी इंक्लूडेड होगा। तो ये यहाँ पर एक्स इस टाइप के सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन है। तो इस सेट के लिए हमें चेक करना है कि वन क्या इस सेट की नेबरहुड बन पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वन के लेफ्ट और वन के राइट जाकर हमें एक ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश करनी है। क्या वो ओपन इंटरवल ऐसा बन सकता है जो इस सेट के अंदर खुद कंटेंट हो, इससे आउट एक भी पॉइंट उस सेट का नहीं होना चाहिए। अगर आउट हो जाता है तो फिर ये नेबरहुड नहीं बनेगा और सारा का सारा इसके अंदर कंटेंट रहता है हमेशा, ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है एक ओपन इंटरवल, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा नेबरहुड हो जाएगा वन की। तो चेक करते हैं, वन यहाँ पर है, वन के लेफ्ट जाएंगे जितना भी हम एप्सिलॉन स्मॉल डिस्टेंस हम वन के लेफ्ट जा रहे हैं, यहाँ पर वन माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर वन प्लस एप्सिलॉन। तो अब हम एप्सिलॉन देख रहे हैं, चाहे मैं कुछ भी वैल्यू लूँ कितना ही स्मॉल लूँ तो लेफ्ट साइड जरूर पहुँच जाऊँगा इस सेट के बाहर। तो जैसे ही हम इस सेट के बाहर पहुँच जाएंगे इसका मतलब वो जो भी ओपन इंटरवल बनेगा वो पूरी तरीके से इस क्लोज इंटरवल जीरो से वन के वन टू टू के अंदर कंटेंट नहीं होगा। इसका मतलब पॉसिबल नहीं है चाहे कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल बनाना जो कि वन को कंटेन करता हो और खुद किसके अंदर कंटेंट हो, इस सेट के अंदर कंटेंट हो, तो इसका मतलब वन इसकी नेबरहुड नहीं होगा। तो क्लियरली हम लैंग्वेज में जान लेते हैं क्या कहता है ये। यहाँ पर नो नॉट पॉसिबल सिंस देयर एग्जिस्ट नो ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल नहीं बन सकता कंटेंट इन वन से टू के क्लोज इंटरवल में एंड कंटेनिंग वन जो वन को भी कंटेन करता हो, क्योंकि हम however small we take epsilon, चाहे हम epsilon कितना भी small ले लें कितनी भी small value ले लें, चाहे epsilon हम 1 by 2 लेंगे तो distance बढ़ जाएगी, अगर 1 by 10 लेंगे तो और यहाँ पर आ जाएगा ये, 1 by 100 लेंगे तो और close हो जाएगा, पर कुछ ना कुछ तो जितना भी epsilon लेंगे इसके left चला जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास interval 1 से 2 का दे रखा है 1 से out हो जाएगा। तो 1 से out होने का मतलब क्या है कि वो जो interval है वो इसका subset नहीं रहने का। तो यही ये कहना चाह रहा है कि अगर epsilon हम कितना भी small ले लें तो ये जो interval बनेगा ये contains to the left of 1, वो 1 के left चला जाएगा, and consequently ये जो interval है cannot be subset of this, वो इसका subset नहीं होगा, और subset नहीं होगा तो definition neighborhood की satisfy नहीं करेगा, इसका मतलब ये set neighborhood नहीं बनेगा one की। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि neighborhood की definition क्या है और किसी भी point का neighborhood किस तरीके से हम check कर सकते हैं। कुछ और important results देख लेते हैं जो neighborhood से related है, important results।
द सेट आर ऑफ रियल नंबर, जो भी जो सेट रियल नंबर का होता है वो इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि रियल नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन अगर ये है तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले तो वो हर एक पॉइंट की नेबरहुड पूरा का पूरा सेट रियल नंबर बनेगा, क्योंकि रियल नंबर लाइन है तो इस पर हम किसी भी पॉइंट को लेंगे तो उसके अबाउट ओपन इंटरवल हमेशा बनाया जाता है जा सकता है जो आर के अंदर कंटेंड हो। इसका मतलब आर जो है वो अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड बनेगा। तो यही कहना चाह रहा है द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, तो हर एक पॉइंट रियल नंबर के सेट का के पॉइंट के लिए रियल नंबर का सेट अपने आप नेबरहुड खुद से बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात आती है द ओपन इंटरवल, दिस ओपन इंटरवल कोई भी है वो नेबरहुड होगा ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो कोई भी ओपन इंटरवल है वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बनेगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये 0 से 1 का मान लो ओपन इंटरवल है, तो 0 से 1 के ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट अगर हम उठाएंगे, कोई भी पॉइंट, यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, तो 0 से 1 के ओपन इंटरवल में किसी भी पॉइंट को हम उठाएंगे, मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठा लिया 0.1, तो 0.1 भी जो होगा तो वो भी उसकी भी ये नेबरहुड बनेगा, यानी कि ओपन इंटरवल का के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ओपन इंटरवल का सेट बनता है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 के नेबरहुड बहुत पास में एक पॉइंट ले लिया 0.1, तो 0.1 की ये नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कोई तो गैप होगा, जो भी गैप है उस गैप को हाफ कर दो, और गैप को हाफ करने के बाद मान लिया डिस्टेंस कुछ है और उसको हाफ करने के बाद जो डिस्टेंस आएगी उतने डिस्टेंस हम इस 0.1 से लेफ्ट साइड गए उतनी राइट साइड गए, तो एक ओपन इंटरवल बन पा रहा है जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, उस सेट के अंदर खुद से कंटेंड है। इसका मतलब ये सेट 0.1 की नेबरहुड होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 0.5 अगर हम लेते हैं 1/2, तो 1/2 और यहाँ 0 के बीच में हाफ का डिस्टेंस है और हाफ का भी हाफ कर दे तो 1/4 आएगा, तो हम इस पॉइंट से जिसकी नेबरहुड चेक करनी है उससे 1/4 डिस्टेंस लेफ्ट जाते हैं, 1/4 डिस्टेंस राइट जाते हैं, तो ये एक ओपन इंटरवल मिल पा रहा है जो पूरी तरीके से इस सेट ओपन इंटरवल 0 to 1 के अंदर कंटेंड है। तो ये जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है नेबरहुड की, क्योंकि इसके अबाउट ओपन इंटरवल बनाया जा सकता है जो इसके अंदर कंटेंड हो सेट के अंदर, तो सेट इसका क्या जाएगा नेबरहुड हो जाएगा। इट मींस यहां से क्लियर है कि 0 कोई भी ओपन इंटरवल हमने 0 से 1 का लिया तो उसके हर एक पॉइंट की नेबरहुड ये सेट खुद से बनेगा। तो यहां पर ये खुद से ये एग्जांपल ये पॉइंट में भी कहना चाह रहा है कि एन ओपन इंटरवल कोई भी ओपन इंटरवल हो तो इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, हर एक ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड होता है। क्लियर, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स अगर कोई भी पॉइंट लिया है मैंने ओपन इंटरवल के सेट में तो वो ओपन इंटरवल में कंटेन है और वो खुद का सबसेट है। इट मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट एक ऐसा ओपन इंटरवल बन पा रहा है जो इसके अंदर कंटेंट है, ये खुद सेट का सबसेट है, तो यानी कि ये सेट एक्स का क्या होगा नेबरहुड होगा नेबरहुड की डेफिनेशन से। उसके बाद आते हैं हाफ ओपन इंटरवल, जो है हाफ ओपन इंटरवल अगर ये कोई भी है तो वो हमेशा नेबरहुड बनेगा, किसकी, सारे पॉइंट की बनेगा एक्सेप्ट जो पॉइंट बी जिसकी साइड से ओपन इंटरवल क्लोज्ड है उसकी नेबरहुड नहीं बनेगा, मीन्स बी को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट की ये नेबरहुड बनेगा है। और इसी तरीके से हाफ ओपन इंटरवल यहाँ पर ये है ए टू बी, जहाँ जो ए पर क्लोज्ड है तो ए जो पॉइंट है ये इसको छोड़कर बाकी सभी पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, क्योंकि ए के अबाउट कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे तो वो, क्योंकि ये बाउंड्री ए यहाँ पर आ रही है तो इसके अबाउट अगर ए पॉइंट की नेबरहुड बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये इसके लेफ्ट साइड चला जाएगा और सेट के अंदर कंटेंट नहीं रहने का, और कंटेंट नहीं रहने का तो ये नेबरहुड जो है ए पॉइंट की नहीं बन पाएगा। इट मीन्स ये सेट जो है वो ए सबकी नेबरहुड बनेगा, बस किस पॉइंट को छोड़कर, ए पॉइंट को छोड़कर। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो इंटीजर्स के सेट में हम जानते हैं 0 या 1 या 2 या 3 या इस तरीके से -1 -2 नंबर्स आएंगे, तो अगर हम बात करें कि ये इंटीजर्स का सेट क्या किसी भी पॉइंट की नेबरहुड बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 तो 1 की नेबरहुड इंटीजर्स का सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 के अबाउट अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखें 1/1 और 2 के बीच की तो वो हो गया 1, उसका हाफ अगर हम एप्सिलॉन लेते हैं ये डिस्टेंस, तो ये एक ऐसा नेबरहुड बन गया जिसमें कि जो कि पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज आएंगी 1/2 से लेकर 3/2 तक के जो नंबर्स आएंगे वो सारे रियल नंबर्स सेट जेड का सबसेट नहीं बनेगा। 1/2 से लेकर के 3/2 तक का जो ओपन इंटरवल बना वो सबसेट ऑफ जेड यानी कि इंटीजर्स के सेट का सबसेट नहीं बनने का है, और ये वाली कंडीशन यहां पर होनी चाहिए कि अगर 1 की नेबरहुड बनना है जेड इंटीजर्स का सेट तो 1 को कंटेन करने वाला जो भी ओपन इंटरवल अगर कोई ऐसा बन सकता है जो इसके अंदर कंटेंट हो जेड के अंदर, तभी हम कह पाएंगे कि ये जेड 1 की नेबरहुड है। पर यहां पर हम कुछ भी करें तो कोई भी एक ऐसा नेबर ओपन इंटरवल हम नहीं बना सकते जो 1 को कंटेन करता हो पर फिर खुद जेड के अंदर कंटेंट हो, तो इसलिए जो 1 है वो उसकी नेबरहुड जेड नहीं बनेगा। सिमिलरली हम 2, 3, 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो जेड है वो अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनता। इसी तरीके से एक और पॉइंट है कि अगर पी कोई रियल नंबर है और एन कोई सेट है जो
सिंगलटन सेट है जो सिर्फ पी को कंटेन करता हो, तो ये जो सेट जो पी को ही अकेला कंटेन करता है वो भी नेबरहुड पी की नहीं बनेगा। तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड निकालना है, मतलब कोई भी पॉइंट पी है और उसी को सिंगल पी को कंटेन करने वाला कोई सिंगलटन सेट है तो वो भी नेबरहुड पी की नहीं बन सकता, क्योंकि अगर एक सिंगल पॉइंट है सेट के अंदर पी और उसकी नेबरहुड बनानी है तो क्या करना होगा, हमेशा एक ओपन इंटरवल बनाना होगा। पर जैसे ही हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो ये जो ओपन इंटरवल बनेगा उसमें पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक के सारे पॉइंट रियल नंबर आ जाएंगे, पी भी कंटेन करेगा, पर ये जो सेट है वो एन का सबसेट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि एन में तो सिर्फ पी पॉइंट है और इसमें पी के अलावा और भी एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे लेफ्ट और राइट वाले। तो इसका मतलब सिंगलटन सेट जो किसी एक सिंगल पॉइंट पी को कंटेन करता है वो पी की कभी भी नेबरहुड नहीं बन सकता। चलिए एक और रिजल्ट देखते हैं। द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट ए एन बी डी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, नेबरहुड को शॉर्ट में एन बी डी भी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है रेशनल नंबर का सेट जो है वो किसी भी अपने पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन सकता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? चलिए देखते हैं रियल नंबर लाइन पर। हम जानते हैं रियल नंबर जो सेट है, रियल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर का सेट यूनियन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट का। रेशनल और इरेशनल को मिलाकर रियल नंबर का सेट बनता है, इट मीन्स। और एक और बात है कि रियल नंबर कोई भी दो अगर हम ले तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों लाई करते हैं। दो रेशनल के बीच में बहुत सारे इरेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, ऐसे दो रियल नंबर इरेशनल के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल और रेशनल दोनों पॉइंट आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर रेशनल नंबर के सेट की बात करें तो ये नेबरहुड नहीं बनेगा किसकी, एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर हमने क्यू रेशनल नंबर का सेट लिया हुआ है और इसमें से कोई भी पॉइंट पी लिया हुआ है तो उस पी के लिए हमें नेबरहुड चेक करना है कि पी का नेबरहुड क्यू बनेगा या नहीं बनेगा। तो जैसे ही हम पी पॉइंट के अबाउट नेबरहुड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले पी के अबाउट एक ओपन इंटरवल बनाना पड़ेगा, पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन। तो जैसे ही हमने ओपन इंटरवल ये बनाया तो हम जानते हैं पी रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर खुद में एक रियल नंबर भी हुआ, तो रेशनल नंबर में से कुछ माइनस किया तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा पी माइनस एप्सिलॉन, और पी प्लस एप्सिलॉन भी रेशनल नंबर या रियल नंबर आ जाएगा। तो हम ये जानते हैं दो रियल नंबर के बीच में कितने पॉइंट्स आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी। यानी कि ये जो ओपन इंटरवल आया हमारे पास, ये ओपन इंटरवल रेशनल और इरेशनल दोनों पॉइंट को कंटेन करेगा, इट मीन्स ये जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट नहीं बनेगा किसका, क्यू का। ये सबसेट नहीं बनेगा किसका, क्यू का, क्योंकि इसमें इरेशनल पॉइंट भी आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो डेफिनेशन है नेबरहुड वाली कि पी कंटेन करता हो ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन में और वो खुद सबसेट हो सेट का जिसकी हमें नेबरहुड बनानी है, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसके अंदर कंटेंट तो है पर ये क्यू का सबसेट नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये क्यू जो है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्यू नेबरहुड नहीं होगा अपने किसी भी पॉइंट पी की। सिमिलरली हम आर माइनस क्यू यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर को भी चेक कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर का सेट भी अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनता है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट भी नेबरहुड नहीं बनेगा एनी ऑफ इट्स पॉइंट। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर फाइनाइट सेट है तो उसमें एलिमेंट्स में बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा, जैसे यहाँ एक्स वन है, यहाँ एक्स टू है, यहाँ एक्स थ्री है। तो जब ये जैसे ही गैप रहेगा तो यहाँ गैप रहेगा, तो इसका मतलब जैसे मैं इस एक्स टू पॉइंट के लिए नेबरहुड बनाना चाहूँ तो यहाँ पर एक बहुत स्मॉल एप्सिलॉन वैल्यू ऐसी निकल सकती है जो इन दोनों के गैप से हाफ डिस्टेंस लेने पर, कि इसमें ये जो पूरा ओपन इंटरवल बनेगा, ये पूरा का पूरा ओपन इंटरवल जो सेट एस का है वो सबसेट नहीं बन पाएगा क्योंकि एक्स टू के अलावा इसमें और भी रियल नंबर आएंगे। तो इसका मतलब ये सेट एस जो है वो भी क्या नहीं बनेगा, नेबरहुड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करने का। इसका मतलब फाइनाइट सेट कोई भी है वो अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनता, ये बात क्लियर हो जानी। उसके बाद जो ये एम्प्टी सेट फाई है वो एनबीडी होता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। एम्प्टी सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है क्योंकि उसमें कोई ऑलरेडी पॉइंट नहीं है, तो नो पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी ये नेबरहुड नहीं बनेगा, इसका मतलब सभी पॉइंट की नेबरहुड बनेगा ऐसा कहा जाता है। उसके बाद इफ एन इज ए एनबीडी, एन कोई भी सेट है वो नेबरहुड है किसी पॉइंट पी का, तो नेबरहुड कैपिटल एन सेट का अगर कोई सुपर सेट कैपिटल एम है तो देन एम इज ऑल्सो ए एन बी डी ऑफ पी। मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पी का कोई नेबरहुड एन बन रहा है तो एन जिस सेट एम का सबसेट है वो सेट एम भी क्या होगा, एन इस पॉइंट पी की नेबरहुड होगा। यानी कि नेबरहुड का सुपर सेट भी नेबरहुड होता है, ये बात क्लियर होती है यहाँ से। एक और रिजल्ट है कि अगर M और N दो नेबरहुड है किसी पॉइंट P के, अगर कोई भी दो नेबरहुड है किसी पॉइंट P के तो उनका इंटरसेक्शन जो सेट आएगा वो भी पॉइंट P का नेबरहुड होगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट एक और रिजल्ट पर आते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स। अगर हमारे पास बहुत सारी, यहाँ पर अभी हमने दो नेबरहुड के लिए ये रिजल्ट डिस्कस किया कि दो कोई नेबरहुड है किसी एक ही पॉइंट की पी की तो उनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगा। यहाँ पर ये एक जनरलाइज रिजल्ट है कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ
द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स, यानी कि 2 या 10 या 4 या 50 या 60 गिने जा सकने वाली फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं जो किसी पॉइंट पी की नेबरहुड बन रहे हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नेबरहुड बनेगा सेम पॉइंट का। फिर से रीड कर लेते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स का भी क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। उसके बाद इसका एक और कन्वर्स काउंटर एग्जांपल है कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं हो सकता, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ, हमेशा इंटरसेक्शन सभी कलेक्शन ऑफ नेबरहुड का जो है वो इंटरसेक्शन हमेशा नेबरहुड बने ऐसा श्योर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट मे नॉट बी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, वो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट की नेबरहुड बने। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक ये कलेक्ट कर लेते हैं, नेबरहुड है ये जीरो की नेबरहुड है, ये कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स हैं ऑफ जीरो की। अगर यहाँ पर जी एन वन ले लिया जाए तो नेबरहुड माइनस वन से वन की बनेगी जो जीरो की नेबरहुड है, टू ले लिया जाए तो माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू आएगा, थ्री ले लिया जाए तो माइनस वन बाई थ्री से प्लस वन बाई थ्री आएगा, और इसी तरीके से ये बहुत सारे सेट बनेंगे जो सारे के सारे जीरो को कंटेन करते हैं और जीरो की नेबरहुड भी हैं, क्योंकि जीरो को कंटेन करने वाले वो सेट ओपन इंटरवल बन रहे हैं। तो जो भी किसी पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल बनता है वो उस पॉइंट की नेबरहुड कहलाता है, वो नेबरहुड जरूर बनता है। तो यहाँ पर जीरो को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये जीरो की नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है, सब में जीरो कंटेन है, इसलिए सारे नेबरहुड है ओपन जीरो की। बट जब इन सबका इंटरसेक्शन लिया जाए माइनस वन से वन का, माइनस वन से वन का ये यहां पर सेट हमारे पास इस तरीके से है, ये माइनस वन से वन का सेट है, उसके बाद दूसरा सेट है हमारे पास माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू का, उसके बाद माइनस वन बाई थ्री से प्लस वन बाई थ्री तक का ये सेट आ गया यहाँ पर, और इसी तरीके से और स्मॉल होते चले जाएंगे। जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं माइनस वन से वन और वन माइनस हाफ से प्लस हाफ का, तो वो अंदर वाला सेट माइनस हाफ से हाफ का आ रहा है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन और लेंगे माइनस हाफ से वन, माइनस वन बाई थ्री से थ्री, वन बाई थ्री तक का, तो वो ये आ जाएगा। इट मीन्स जैसे ही हम इन सब का एन वन टू थ्री फोर रखते रखते इंटरसेक्शन लेंगे, तो लास्ट में इंटरसेक्शन आपका एन गोज टू वन टू इन्फिनिटिव करेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सब में एक ही पॉइंट कॉमन दिखाई देगा, जीरो, यानी कि वो सेट सिंगल सेट आ जाएगा जीरो। और हमने पढ़ा है कि कोई भी सेट जो सिंगल पॉइंट को कंटेन करता हो वो कभी भी उस पॉइंट की नेबरहुड नहीं बन सकता जो सेट में कंटेन्ड है। इट मीन्स ये जो सेट जीरो सिंगलटन सेट बना वो जीरो की नेबरहुड नहीं बन सकता, यानी कि यहाँ से बात श्योर होती है कि बहुत सारी नेबरहुड हैं उनका इंटरसेक्शन नेबरहुड हो सकता है, पर वो नेबरहुडों की संख्या जो जितने भी नेबरहुड्स हैं वो अगर फाइनाइट है तो उनका इंटरसेक्शन नेबरहुड बन जाएगा, पर अगर इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स है तो उनका इंटरसेक्शन नेबरहुड हो ये श्योर नहीं है। यहाँ पर जैसे ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया, क्लियर? तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि आप लोगों को नेबरहुड से रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इन शॉर्ट प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे जो टॉपिक है इसके अंदर आप लोगों को एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट पी है और उसकी नेबरहुड अगर हमें बनानी है कोई, तो नेबरहुड बनाने का मतलब उस पी पॉइंट के अबाउट अगर हम एक ओपन इंटरवल बना लेते हैं पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक का, जहाँ पर एप्सिलॉन बहुत एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उस केस में पी को कंटेन करने वाला जो ये ओपन इंटरवल बनेगा ये पी की नेबरहुड होगा, ठीक है? तो अगर पी की किसी भी पॉइंट की नेबरहुड बनानी है तो इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा कि उस पी पॉइंट के अबाउट हमें चेक करना है कि क्या कोई ओपन इंटरवल ऐसा बन सकता है जो पी के लेफ्ट और पी के राइट साइड जाकर बने। अगर ये ओपन इंटरवल बन पा रहा है तो वो इसकी पी की नेबरहुड कहलाएगा, और अगर इसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल को कंटेन करने वाला यानी कि इसका भी कोई सुपरसेट बन जाता है एन, तो वो भी क्या होगा, पी की नेबरहुड कहलाएगा। यही बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि नेबरहुड का सुपरसेट नेबरहुड होता है, तो यहाँ अगर ये नेबरहुड है तो इसका सुपरसेट एन भी नेबरहुड होगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी सेट को नेबरहुड चेक करना है, कोई भी सेट किसी भी गिवन पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है तो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट जाकर एक स्मॉल एप्सिलॉन डिस्टेंस जाकर चेक करो कि क्या उसके लेफ्ट और राइट जाने पर ये जो ओपन इंटरवल बन रहा है ऐसा पॉसिबल है कि ये जो ओपन इंटरवल है वो किसी दिए हुए सेट जिसको नेबरहुड चेक करना है उसके अंदर कंटेंट आ रहा है। अगर आ रहा है तो नेबरहुड बनेगा, अगर एप्सिलॉन की किसी वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है तो बनेगा नेबरहुड, अगर नहीं हो रहा कभी भी किसी भी एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस केस में वो एन सेट पी की नेबरहुड नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सीएसआई या नेट में या आईआईटी जैम में या फिर एमएससी बीएससी में, तो वो सभी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेनिफिट हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही।